हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और जैसे कि वी आर सिस्टर यहीं पर आ चुके हैं और आज हम घूमने जा रहे हैं कहीं। और ये हमारे अंकल हैं ये हमसे मिलने आया, मतलब हमारे भाई के घर पर ही। क्या नाम है आपका? शाकिब। हाँ, इनका नाम है शाकिब अंसारी, है ना? हाँ, इनका नाम है शाकिब अंसारी। और मैं बहुत छोटी थी जब मैं इनसे मिली थी और मैंने इनको नहीं पहचाना, इन्होंने हमें पहचान लिया। और तो हम घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम अमरोहा वासुदेव मंदिर घूमने जा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बोल रहे हैं वो मेरे जीजू हैं, तो चलिए अभी उनसे भी मिला रहे हैं। तो चलो मैं आपको अपने मतलब जीजा जी से भी मिलवा देती हूँ, जिनके हम घर पे आए हुए हैं। और मोस्ट हैंडसम, मतलब थोड़े लोगों को बुरा भी लगेगा तो लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे जो मतलब मैं बचपन से एक ही बात कहती आई हूँ कि मतलब मेरे जीजाओं में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही हैं, तो उनका नाम है जावेद। तो आइए, तो जावेद भाई, ये हैं जावेद भाई, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे जीजू हैं और ये क्या नाम था, साकिब अंकल हैं, मतलब इनका घर भी पास में ही है। तो ये हमें लेने आए थे कि चलो आप हमारे घर पे चलो। तो अभी तो हम घूमने जा रहे हैं, तो शाम में हम साकिब अंकल के घर जाएंगे, है ना साकिब अंकल? और उनको भी शूट करेंगे, इनके घर पे भी शूट करेंगे थोड़ा सा। और जावेद भाई को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन आप देख लें, वो मेरे बेस्ट वाले जीजू हैं। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर घूमने के लिए, वासुदेव मंदिर जो कि अमरोहा में है, तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी शूट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। ओके, सो गाइज, हम जा रहे हैं अंदर और ये रही खाला। तो सो गाइज, हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, हम वहीं पर आ गए। और यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं, और मैं अपनी मामा को दिखाऊँ, मेरी मामा कितनी प्यारी लगे, बहुत ही सारे, बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो लोग, वो बंदर ना कैम फोन ही छीनते हैं। तो मैं देखते हैं क्या क्या शूट करती हूँ। और मेरी मामा देखें कितनी प्यारी लग रही है। और खाला को हम कैसे भूल सकते हैं, कैन सी? खाला और मामा ने सेम सूट पहना है, तो मैं वो शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है? तो चलिए हम आगे आगे चलते हैं। और इन्हें देखें, इस बंदरिया को देखें, ये मेरी भांजी है, हाय कर दो। ये मेरी भांजी है, वो हमारे साथ घूमने आई है। और बंदर की हालतें कुछ ऐसी हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। तो चलिए अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करते हुए हम चलते हैं आगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे बंदर हैं, यही है। और आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। और अभी उधर से हम आ रहे थे तो बहुत ही सारे थे, और देखें यहाँ पर भी कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। बस यहाँ की यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं। ऐसे कुछ नहीं कहते हैं, बट वो फ़ोन छीनते हैं, और मुझे तो पापा जान से ही मार देंगे अगर मेरा फ़ोन छीन गया तो। देखें आप कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारे हैं यहाँ पर भी, देख सकते हैं आप। चलिए हम झील पर चलते हैं, फिर मैं वहाँ पर शूट करूँगी। गाइस, आप देख सकते हैं यही वो मंदिर है, और इसके अंदर बहुत ही प्यारी ये झील बनी हुई है। और यू कैन सी हनुमान जी का ये मंदिर है, पता नहीं आप लोगों को शोर आया नहीं धूप की वजह से। तो देखें, बस बंदर हमें ही घूरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और वहाँ पर शिव जी का भी एक स्टैचू मूर्ति बनी हुई है, और मैं दिखा दूँ आपको कितना प्यारा बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं नीचे की तरफ, कितना प्यारा है। Can see? है ना प्यारा? कमेंट में बताना किस किस को प्यारा लगा। आई लव दिस स्टैचू, बहुत मतलब मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है उनकी, शिव जी की भी और हनुमान जी की भी। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बंदर आप देख सकते हैं, बंदर हर जगह मिलेंगे आपको। चलिए तो हम अंदर चलते हैं। गाइस, वहाँ से ये मतलब मूर्ति दिख नहीं रही थी हनुमान जी की, तो मैंने यहाँ से दिखा दी। आप देखें कितना प्यारा है ये, और ये देखें बंदर, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है सच्ची। बट ये कुछ कहते नहीं है, लेकिन बस फ़ोन ही छीनते हैं। देखें कितना क्यूट है, और बहुत ही छोटे छोटे थे वहाँ पर तो।
तो। और ये देखें आप, यहाँ पे भी धूप का इशू हो रहा है। चलिए अंदर चल। आप देखें ये जो झील है इसके अंदर रियल बत्तख हैं, मतलब ऐसी वैसी नहीं है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है। तो चलिए, और यहाँ पे तो मुझे बंदरों से ही बहुत डर लग रहा है। देखें उसने, वो बंदर है। और एक सेकंड, अंकल हैं ये, हमें वोट में बिठाएंगे और हमें वोटिंग कराएंगे, मतलब। तो हम जा रहे हैं वोट करने, और मेरी मामा को डर लगता है, बैठने जा रही हैं। देखें आप, बंदर ले जाएगा जूती। उठा तो तू, मेरे जूता उठा। अच्छा चलो, तुम भी चलो। नहीं शूट नहीं कर रहे। तो गाइस हमारी वोट चल चुकी है और हम वोट में बैठे हुए हैं। कैन सी शट अप। तो चलिए मैं अपने आप को तो शूट कर लूँ। और ये चल रही है वहाँ पे बत्तख है, बत्तख मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और हमारी वोट चल रही है, देखें आप। इधर क्या कह रही है, ये गोलगप्पों का पानी मैंने पी ले। तो तो आप यहाँ आए तो इस झील में ज़रूर आए और इस बोट में बैठे मज़े लें, ठीक है, मेरे कहने पर। सो गाइस देखें आप, ये पूरा व्यू है। और यहाँ पर पता नहीं लाइट का क्यों इतना इशू है। और आप देख सकते हो वहाँ पे कितने सारे बंदर हैं। उधर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। ये मंदिर का फ्रंट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आए हुए हैं। कितने लोग, मैं आपको बत्तख भी दिखाऊंगी, बट वो अभी थोड़ी दूर है, हमारी वोट चल रही है। देखें आप, ये पुल है, इस पुल पे मैं जाना चाह रही थी, पर वहाँ पे बंदर बैठे हुए थे। देखें गाइस यहाँ पे बत्तख भी है। मुझे तो बंदरों से ही बहुत डर लग रहा है। देखें आप कितनी सारी बत्तख हैं जो पानी में खेल, मतलब तैर रही हैं, कितनी प्यारी। और इन्हें देखें, इन्होंने तो देखें दबा रही है बंदर का घंटा। चलो सो गाइस हम आ गए हैं घर पर, और वहां तो हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो भाई ने नाश्ता वगैरह तैयार कराया था। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो गाइस हमने वहाँ पर तो कुछ खाया नहीं था, और हम घर आए तो बाजी और भाई ने ये दही बड़े बना के रखे हुए थे। यू कैन सी कितने अच्छे हैं, बहुत ही यम्मी हैं। और नाश्ता भी ले आए थे भाई, क्योंकि हमने वहाँ कुछ खाया नहीं था। और यहाँ दोनों बहनें तैयार बैठी हैं खाने के लिए। चलिए हम इंजॉय कर लेते हैं ये खाना, मतलब नाश्ता, सॉरी सच्ची। तो हम आ गए अपने घर पर, मतलब बाजी के घर पर ही घूम कर। और मैंने आपके लिए जितना हो सका उतना शूट किया। बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मैं नहीं चाहती थी फ़ोन छिन जाए, तो इसलिए मुझसे जितना हुआ मैंने आपके लिए शूट किया। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और हम इंशाल्लाह कल शाम में दिल्ली के लिए निकल जाएंगे अपने घर पर। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।